छह दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डी ब्लॉक में जो डी ब्लॉक के तत्वों के गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, है ना, ये संक्रमण तत्व होते हैं, कैसे ये सारी चीजें कहते हैं, इसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया है। अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब, गुण का मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि जो संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है, उनकी परमाणु त्रिज्या कैसे घटती बढ़ती है, आयनन एन्थैल्पी क्या होती है, कैसे प्रकृति की होती है, धात्विक प्रकृति होती है कि कैसे, क्या उनके गुण होते हैं, ना आयनन एन्थैल्पी के साथ उनका जो आक्सीकरण अवस्था, ये सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखते हैं। ओके, सबसे पहले परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, डी ब्लॉक के तत्वों की श्रेणियों में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है किंतु कोशों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, जिसके कारण नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ने के साथ इनकी परमाणु त्रिज्या घटती है, है ना। यानी कहने का मतलब है डी ब्लॉक के तत्वों में, है ना, डी ब्लॉक की जो श्रेणी है उनके श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, है ना, बाएं इधर हो गया, बाएं से दाएं जाने पर यानी इधर से इधर जाने पर क्या होता है, इनके तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती क्यों घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है जिसके कारण नाभिकीय आवेश और बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच आकर्षण बढ़ जाता है जिसके कारण त्रिज्या घट जाती है। कैसे होता है देख लेते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे हम लोग अगर स्कैंडियम की, 21 होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, हाँ ये सारे हम लोग अगर देखते हैं इन तत्वों का, तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 यह आ जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 18 20 21, यानी इसका 21 परमाणु को मानते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो केवल इसका हम लोग अंतिम वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला। ठीक है, इतना देखेंगे यहां तक लगभग लगभग जितने तीसरी वाली आवर्त के जितने भी तत्व हैं यहां तक सेम आएगा, ये कॉपर यहाँ पे क्रोमियम मैग्नीज आयरन गोबाल निकिल कॉपर जिंक तक यहां तक सेम आएगा, चेंजेस इतने में होंगे। ठीक है, तो मैं लास्ट वाले केवल लिख के चलता हूं, यहां तक 20 आ रहा है, 21 22 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 23 तो यहाँ पे 3, 24 तो यहाँ पे 4, 25 तो यहाँ पे 5, इस तरीके से करके हम लोग इसको देख लेते हैं। ओके, तो मैं केवल लास्ट वाले यहाँ पे लिखता हूं, यानी 4s2 एंड 3d1 ये स्कैंडियम के लिए हो गया। टाइटेनियम के लिए अगर देखें 4s2 3d2, वैनेडियम के लिए देखें अगर तो 4s2 3d3, है ना, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 4s1 3d5 होता है, स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या देख लेते हैं, इतने भी देखते हैं इसको, क्या बोला जा रहा है, जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है उनके नाभिक में आवेश की वृद्धि होती है। यानी अगर आप देखोगे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जो नाभिक होगा, नाभिक में टोटल कितने प्रोटॉन आएंगे, 21। टाइटेनियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन आएंगे, 22। वैनेडियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन आएंगे, 23, है ना, इसी तरीके से जाएंगे आगे 24 प्रोटॉन, फिर आगे 25 प्रोटॉन, इस तरीके से 26-27 नाभिक वृद्धि होगी। लेकिन अगर आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग इसके आवेशों यानी कक्षकों की संख्या में क्या बोल रहा है, नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है किंतु उपकोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे जितने भी उपकोष है, 4s3d, इसके आगे उपकोष नहीं बढ़ता है। ठीक है, उपकोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, यानी कहां तक ये जाते हैं, बस पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहीं तक सीमित रहता है। अब यहां पे आवेश बढ़ रहा है, मान लिया यहां पे स्टार्टिंग में क्या है, 21 है, और इसमें कितने हैं टोटल आगे, यहां पे 21 है आवेश है, और ये 4 कोष है, तो यहां पे इतना आवेश है। फिर इस वाले 25 के केस में चलो देख लो, जैसे जैसे यहां पे उतने ही कोष है, 1 2 3 4, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d यहां पे आ जाएगा, 25 के लिए 35 कर दोगे, तो यानी कुल मिला कहने का मतलब है इतने ही कोर्स रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखोगे 25 प्रोटॉन है,
और यहाँ पे कहीं से है उतनी जगह। यानी एक तरीके से अगर हम लोग कहें बीच में बड़ा सा मैग्नेट रखो, डिस्टेंस उतनी है, एक जगह छोटा मैग्नेट है, ध्यान देना एक जगह छोटा मैग्नेट है और डिस्टेंस इतने पे रखा, तो थोड़ा सा कम स्ट्रांगली खींचेगा, बट डिस्टेंस इतनी रहे हैं और मैग्नेट बढ़ा दो, साइज उसका बढ़ा दो, तब वो तेजी से उनको खींचेगा ना अपनी तरफ। तो वही बोला जा रहा है कि जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, यहाँ पे जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या नहीं, नाभिक की आवेश बढ़ेगा, नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन होता है, तो नाभिक में जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, नाभिक की आवेश बढ़ेगा, तो उतना तेजी से बाहरी वाले कक्षकों को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब जितना तेजी से ऐसे खींचेगा क्या होगा, उसका आकार उतना कम होगा। तो वही कहने का मतलब है जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है इनकी त्रिज्या घटती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इनकी त्रिज्या घटती जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं, चलो आगे एक इसको फिगर बना के देखते हैं थोड़ा सा। चलिए समझने के लिए अगर एग्जांपल हम लोग ले लें किसका, टाइटेनियम एंजिन को देख लेते हैं, ठीक है। टाइटेनियम जैसे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है ना, 2s2 2p6 ऐसे ही करते हो, 3s2 3p6 फिर क्या करते हो 4s2 एंड 3d2 है ना, यही आता है इस तरीके से। तो बाहरी कोर्स देखो 4s2 है, तो नाभिक में कितना आवेश होगा जानते हो, प्रोटॉन की संख्या जितनी है इसका परमाणु क्रमांक 22, तो यहाँ पे 22 प्रोटॉन है प्लस बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन है 4s वाले में, तो ये बाईस ये क्या करेंगे, इधर से एक आकर्षण बल लगता रहता है, नाभिक सारे कक्षों को अपनी तरफ आकर्षण बल से खींचता रहता है। तो अगर ये डिस्टेंस जितनी है यहां से ये इतनी रहे और यहां पे नाभिकीय आवेश में जैसे मैंने कहा मैग्नेट बढ़ा दो, कहने का मतलब है इसका परमाणु क्रमांक बढ़ जाए, तो नाभिकीय आवेश जैसे ही बढ़ेगा तो इसकी आकर्षण कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की आकर्षण क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे ये क्या करेगा बाहरी वाले इलेक्ट्रॉनों को और तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो यह क्या होगा इधर और तेजी से खींचेंगे, तो क्या होगा इससे और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा आयरन कोबाल्ट निकेल जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, लेकिन देखो इनके उपकोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, उपकोष नहीं बढ़ेंगे तो नाभिक और बाहरी यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस भी क्या रहेगी उतनी रहेगी। तो जब डिस्टेंस उतनी है तो नाभिक की आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा इसको तेजी से खींचेगा अपनी तरफ, इससे क्या होगा परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे थोड़ी घटती जाती है, यानी सीधी सी बात है परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं आयनों में, सेम चीज है आयनों में भी है, आयनों में क्या है समान आयन वाले जिनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और आयन समान है तो उनका भी क्या होगा आयनिक त्रिज्या घटती चली जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से धात्विक त्रिज्या में है, ठीक है, धात्विक त्रिज्या जैसे जैसे घटेगी तो उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब वहां पर धात्विक त्रिज्या भी इसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो परमाणु त्रिज्या की बात होगी, चलो हम लोग देख लेते हैं सेकेंड नंबर धात्विक लक्षण डी ब्लॉक के तत्व, उनमें कैसा गुण होता है धात्विक प्रॉपर्टी होती है धात्विक लक्षण होते हैं। धात्विक लक्षण में कैसे क्या है डी ब्लॉक के तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है तन्यता है ना, विद्युत की सुचालकता होती है, ऊष्मा की सुचालकता होती है ना, ये सारे गुण उसमें पाए जाएंगे, चमकदार भी होते हैं। तो जितने भी धातुओं में प्रॉपर्टी होती है वो सारे लक्षण धातु के लक्षण इसमें मिलेंगे, है ना, तन्यता विद्युत सुचालकता है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पाए जाएंगी। तो ये तो इसमें लिखने की सारी चीजें है नहीं, इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी धातु के लक्षण है सब इसमें पाए जाते हैं, ओके। अब इसके अगर हम लोग बात करें आगे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की, तो थर्ड नंबर में हम लोग क्या देख सकते हैं आयरन एंथैल्पी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका आयरन एंथैल्पी, ध्यान समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड ही है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे आयरन एंथैल्पी आयरन ऊर्जा क्लास 11 तो आपने पढ़ा होगा। तो किसी भी परमाणु के है ना, किसी भी परमाणु के इसके बाहरी कोर से मान लिया बाहरी कोर से है
तो किसी भी परमाणु के बाहरी कोर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे होगा तो इसकी इसके नाभिक के बीच की दूरी कम होगी, जिससे नाभिक इसको तेजी से खींचे रहेगा, आकर्षण बल द्वारा बंधा रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक है तो उसको निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पे है तो दूरी है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे होता तो दूरी और ज्यादा होती, तो जब दूरी ज्यादा है तो कम आकर्षण बल से खींचता, क्या रहता है, यहां पे इनके बीच कम आकर्षण बल होता है इसके और इसके बीच, जिसके कारण ये कम मजबूती से बंधा होता, आकर्षण बल कम आकर्षण बल होता और इसको आसानी से हम लोग बाहर निकाल लेते, यानी इसको खींचने में ज्यादा ऊर्जा नहीं देनी पड़ती बाहर निकालने में। तो आयनाइजेशन एनर्जी इवन है ना, वैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है थोड़ा सा और नजदीक हो गया तो इसको निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी I2 मान लिया चलो। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो इसके इसके बीच की दूरी और बढ़ गई है तो ये क्या करेगा, इसको और मजबूती से खींचेगा, और मजबूती से खींचेगा तो इसको निकालना थोड़ा आसान नहीं होगा, यानी इसको निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी है ना। जैसे वही चीज मान लिया मैंने इसको अगर आराम से पकड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे, कम ऊर्जा में इसको अलग कर दोगे, लेकिन मजबूती से पकड़ा है तो अलग करने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी जब मजबूती से इलेक्ट्रॉन बना है ज्यादा आकर्षण बल द्वारा जुड़ा है तो उसको निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो कहने का मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक के नजदीक आएगा जो आयनन ऊर्जा है हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक तरीके से इसको I3 अगर मान लो तो कौन से आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, I3 का, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस तरह से निकल रहा है ये नाभिक के ज्यादा नजदीक है इसलिए उसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर निकालने में, तो I3 का मान क्या होगा, ज्यादा, उससे कम I2 का मान, उससे कम IE1 का मान। ठीक है, तो ये आयनन ऊर्जा इस तरीके से थी। तो आयनन ऊर्जा या आयनन थैल्पी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं चलो। आयनन थैल्पी इसकी थ्योरी यहाँ पे क्या होगी देख लेते हैं हम लोग। आंतरिक डी कक्षकों में क्या होता है, यानी डी कक्षकों में जैसे जैसे इनकी परमाणु त्रिज्या घटती है, जाहिर सी बात है नाभिक यहाँ है, लास्ट वाला कोश यहाँ पे है, अब जैसे जैसे ये घटेगी परमाणु त्रिज्या तो जो कोश होगा नाभिक के नजदीक आएगा, नाभिक के नजदीक आने का मतलब इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के नजदीक आएंगे, तो इससे क्या होगा, नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को तेजी से अपने में आकर्षण बल द्वारा जोड़े रहेगा तो इनको निकालना आसान नहीं होगा। अगर ये कोश दूर है तो कम आकर्षण बल होगा तो इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, यानी जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या घटेगी उनको क्या है, आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं चलो। हाँ है ना, क्या हो गया, श्रेणी में जैसे बाएं से दाएं जाओगे, यानी स्कैंडियम प्लैटिनम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर, मतलब बाएं से दाएं जैसे ही जाओगे अवर सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों में तो क्या होगा, उनके आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्यों, क्योंकि जैसे बाएं से दाएं जाओगे नाभिक का आवेश बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी, और जैसे परमाणु त्रिज्या घटेगी इलेक्ट्रॉन नाभिक के थोड़ा सा नजदीक आएगा तो इससे क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा, मजबूती बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। कहने का मतलब है आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, नाभिक का आवेश बढ़ता है, तो क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब जैसे और चीजें यहाँ पे, जब भी डी ब्लॉक के तत्व क्या बनाएंगे, आयन, तो सबसे पहले कहां का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, NS वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब भी आयन बनाएंगे सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, NS का इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे थी, चलो और चीजें भी देख लेते हैं। आयनन थैल्पी का मान है प्रतिकर्ष, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन है ना के बीच आकर्षण बल है ना, यहाँ परमाणु त्रिज्या है, नाभिक के आवेश है, इन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजों पे अगर हम लोग फैक्टर देख लें कि आयनन थैल्पी किस पे डिपेंड करेगी, तो जो कोश में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उन पे भी डिपेंड कर रही होती है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण पर, इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण पर डिपेंड कर रही होती है आयनन थैल्पी, और किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण पर और नाभिकीय आवेश पर, नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा आयनन थैल्पी बढ़ेगी, नाभिकीय आवेश पर, और किस पर डिपेंड कर रही है,
परमाणु त्रिज्या पर, ये सारे फैक्टर्स हैं कुछ जिसपे डिपेंड करती है, क्या निर्भर करती है आणविक विज्ञान पे। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्व के कुछ ये प्रमुख गुण थे। ओके चलो आगे देखते हैं। बहुत इजी तरीके से हम लोग देख रहे हैं थ्योरी, आप लोग इसके क्वेश्चंस जो है थ्योरी को देखते जाइएगा, इसके पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देंगे, नीचे लिंक पे आपको मिल जाएगी, आराम से उसका नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। चलो आक्सीकरण अवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।